हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक सिक्योरिटी अलार्म बनाएंगे जो कि मोशन सेंसर की मदद से चलेगा। आप इसको घर में जिस जगह भी लगाएंगे, उस जगह अगर कोई मोशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। चोरों के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए जो आपको चीज़ें ज़रूरत हैं, उसमें एक PIR सेंसर, जिसको मोशन सेंसर भी बोलते हैं, मार्केट से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये 6 वोल्ट सायरन, सिक्स वोल्ट अडाप्टर, BD139 ट्रांजिस्टर, कुछ जम्पर वायर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले PIR सेंसर, इसकी फर्स्ट पिन पॉजिटिव होती है, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हम इसको इनपुट दे सकते हैं। सेकंड पिन आउटपुट के लिए और थर्ड पिन नेगेटिव के लिए। रेड वायर पॉजिटिव के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, येलो वायर आउटपुट के लिए और ग्रे वायर नेगेटिव के लिए। उसके बाद ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन कर लेते हैं। सायरन की नेगेटिव वायर को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ सोल्ड कर दें। PIR सेंसर की आउटपुट वायर को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 के साथ सोल्ड कर दें। अडाप्टर की पॉजिटिव वायर को सायरन की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दें। PIR सेंसर की पॉजिटिव वायर को अडाप्टर की पॉजिटिव वायर के साथ सोल्ड कर दें। उसके बाद अडाप्टर की नेगेटिव वायर को PIR सेंसर की नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट करें और फिर इनको ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 पे सोल्ड कर दें। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। PIR सेंसर के ऊपर 2 पोटेंशियोमीटर होते हैं, राइट वाला डिले के लिए और लेफ्ट वाला डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। उसके बाद PIR सेंसर सायरन के साथ ही पेस्ट कर दें। आप इसको एक अलहदा बॉक्स में भी लगा सकते हैं। वायर्स को टेप कर दें। ट्रांजिस्टर को भी टेप कर दें। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। आप जिस जगह भी इसको लगाएंगे, वहाँ पे ज़रा सा भी मोशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए।